तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मिक्स्ड डाटा को सेपरेट टाइप कर सकते हैं या आप सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको नंबर्स भी मिलेंगे और जो है इंग्लिश वर्ड टेक्स्ट भी मिलेंगे, जिसको आपने सेपरेटली डिफरेंट सेल्स में अरेंज करना है। लेकिन वो करना कैसे है इसमें बताऊँगा, कैसे आप इसको अरेंज करेंगे बगैर किसी फार्मूला लगाए। मेरे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि भाई इस पर जो है आप एक वीडियो बनाएं, तो मैं उनके कहने पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं। पहले एक्सेल को ओपन करने के बाद हमारे पास एक टेक्स्ट है, जिससे हम कर लेते हैं जी कॉपी। ठीक है, कॉपी करेंगे। इधर गूगल स्प्रेडशीट पर मौजूद है ये टेक्स्ट, तो इस यहाँ से मैंने किया से कॉपी और यहाँ पर लाकर मैंने कर दिया से पेस्ट। ठीक है, तो इस सेल को थोड़ा सा इसका साइज कर देते हैं बड़ा। ठीक है, बड़ा करने के बाद फॉर्मेट में जाकर इसकी हाइट को कर लेते हैं हम 15 और एंटर करेंगे। ठीक है, या थोड़ा सा और साइज इसका बढ़ा लेते हैं, फॉर्मेट में जाकर 20 कर लेते हैं इसका साइज। ठीक है, तो ये जी हो गया इसका साइज 20। तो हमने इसे करना क्या है, इसे हमने सेपरेटली रीअरेंज करना है। ये जैसे कि ये देखें 526 सैनिक रेंज CIR कोमा फेयर व्यू कोमा TX इसके दरमियान कोमा नहीं है, 75069 फिर कोमा फिर स्पेस USA। हम चाहते हैं कि ये और फेयर व्यू TX और ये नंबर्स USA, ये सेपरेट जो हैं अलग अलग कॉलम में हमें शो हों। तो हम इसको अब करते क्या हैं, इसको सबसे पहले करेंगे हम सिलेक्ट कॉलम को। ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सिंपली डाटा में। डाटा से हम जाएंगे इधर टेक्स्ट टू कॉलम्स में। इधर हमने सिलेक्ट क्या करना है, इधर दो ऑप्शन हैं, टैली डी लिमिटेड और दूसरा है फिक्स्ड विड्थ। हमने सिलेक्ट करना है डी लिमिटेड और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमने इधर से इधर डिलिमिटर्स के मौजूद हैं टैब है सेमी कोलन कोमा स्पेस अदर, तो आपने सेलेक्ट करना है कोमा को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो है इधर स्पेस के अलावा हमारे पास कोमा है जो कि हमें सेपरेशन दे रहा है इनके दरमियान। ठीक है, तो हम करेंगे इसको नेक्स्ट और कर देंगे फिनिश। तो ये जी जिनके दरमियान कोमा था वो हमें टेक्स्ट जो है अलग कॉलम में मिल गया। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान भी क्या हो, ये दोनों ये नंबर और ये टेक्स्ट ये अलग हों, तो हमने क्या करना है इसको फिर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर जाएंगे हम सबसे पहले हमने करना क्या है, इसको सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, इसके दरमियान हम करेंगे एक और कॉलम को इंसर्ट। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। अब हमने करना है इसको सिलेक्ट, फिर जाना है टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में जाकर फिक्स्ड विड्थ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इधर से हम इन कॉलम्स को जो है ख़त्म कर देंगे डबल क्लिक करने से, फिर इससे भी। ठीक है, और इसको हम इसका साइज जो है एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया। और इस पर हम करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने से उसके बाद हम करेंगे फिनिश पर क्लिक। डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस द कंटेंट्स ऑफ द डेस्टिनेशन सेल्स, हम कर देंगे जी बिल्कुल ओके। तो ओके करने से क्या हुआ जी, हमारा जो है नंबर्स और टेक्स्ट जो है बिल्कुल अलग हो गए बड़ी आसानी से। ठीक है, तो हम इसका सेल्स को कॉलम्स को कर देते हैं सेट। हम चाहते हैं कि ये जो है टेक्स्ट और नंबर ये भी सेपरेट हों, जैसा कि ये सेपरेट हुए हैं अलग कॉलम में, तो हम इनको भी सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इधर फिर से हम एक कॉलम को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद फिक्स्ड विड्थ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इधर से हम इसका जो है साइज सेट कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिनिश पर क्लिक करेंगे। नहीं जी, इसका हम बैकग्राउंड कर देते हैं वाइट। ठीक है, और इन सब को कर देते हैं हम ऑल बॉर्डर। नहीं जी, सारा जो है नंबर्स टैक्स टैक्स टैक्स
नंबर और टेक्स्ट, ये सब हमने सेपरेटली कॉलम्स में सेट किए बगैर किसी फार्मूला लगाए। तो आप भी दोस्तों ऐसे ही मिक्स डाटा को बहुत आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं, नंबर्स को अलग कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलग कर सकते हैं बगैर किसी फार्मूला के। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको भी आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन करके सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं भी आपकी इसी तरह वीडियो बनाकर आपको क्वेश्चंस का जवाब दूंगा।